नमस्कार, मैं आज आपको एक ऐसे मरीज की कहानी बताना चाह रहा हूँ जिसमें हमने ईश्वर का एक चमत्कार देखा है। किशोर पंत जी जब हमारे पास फोर्टिस हॉस्पिटल में लाए गए थे तो इनको सांस नहीं आ रही थी, इनका पेशाब कम हो रहा था। ये बेसिकली नेपाल के निवासी हैं और पहले काफ़ी समय बीमार भी रहे हैं। जैसे ही ये अस्पताल में आए, हमारी आईसीयू में आए, पूरी टीम जिसमें मेनली डॉक्टर विनोद जिनके अंडर ये एडमिट थे, डॉक्टर राधिका, मैं और मेरे पूरे अस्पताल के और डॉक्टर्स, इनकी रियल इंटेंसिव केयर जिसको बोला जाते हैं, या बिल्कुल मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग में लगे, इलाज किया। इनके फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया था, गुर्दे बंद हो चुके थे। लगातार करीब 10-15 दिन की अथक सेवा, जिसमें हमने न सिर्फ इनके गुर्दे और फेफड़ों पर ध्यान दिया, बल्कि जो इन्फेक्शन इनके पूरे शरीर में फैल चुका था, जो लगभग इनको मृत्यु के द्वार पर ले गया था, उससे इनको बाहर लाने का प्रयास किया। आज मुझे ये कहते हुए हर्ष है, गर्व है और एक शांति है कि हमारे प्रयास फलीभूत हुए। देखिए, ठीक तो ईश्वर करता है, आप और हम प्रयास करते हैं, परिवार प्रयास करता है, डॉक्टर प्रयास करते हैं, और जब आप इतना प्रयास करते हैं और वो सफल होता है तो निश्चित तौर पे न सिर्फ खुशी मिलती है बट उस ईश्वर के प्रति हमारे मन में आस्था और गहरी होती है। आज किशोर जी घर जा रहे हैं, हम सब हृदय से ये मंगल कामना करते हैं कि ये आगे अपना जीवन स्वस्थ रहे, इनका परिवार खुश रहे। धन्यवाद। Hi, my name is Marvi Panta and my dad was admitted here as a patient, Kishore Raj Panta, under Dr. Vinod Sharma. Initially, he was brought to the emergency because he had like a couple of breathing issues. He wasn't breathing that well, and so we came over here. And we got to meet the team. He was admitted in the ICU under Dr. Pankaj Anand and his amazing staff. And he did have a couple of issues previously from his kidney side, and his nephrologist was Dr. Radhika Govil. I'm really happy and I'm really grateful for how the team responded and how they were so transparent from the beginning, their professionalism, and since, well, we're not that great with Hindi, and they were really nice. They translated everything, they told me everything from the get-go, every step, everything. They were super transparent, and yeah, I'm super happy with, you know, everything that the medical staff, the medical team provided. A lot of care, a lot of attention to detail, and they were really open, really honest, and they were there anytime. The nursing staff are nice, they're okay, I guess. They're nice. But yeah, specifically to the doctors and their medical staff, especially in the ICU, and especially for Dr. Vinod, Dr. Radhika, and Dr. Pankaj, I'm truly grateful. I can't tell how much I'm thankful for their service. Namaskar, mera naam Dr. Radhika Govil hai. Main Fortis Escorts Hospital, Jaipur mein ek nephrologist hoon. Hamare paas Kishore ji kuch din pehle aaye the, kaafi buri halat ke andar aaye the, unko saans nahi aa rahi thi. लंग्स के अंदर पानी भरा हुआ था, लंग्स में इन्फेक्शन था, गुर्दे उनके पहले से ही कमज़ोर थे और इस इन्फेक्शन और पानी भरने से बिल्कुल ही काम करना बंद कर गए थे। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत और सबके साथ काम करने से डॉक्टर पंकज की आईसीयू टीम, डॉक्टर विनोद और उनकी रेस्पिरेटरी टीम और हमारी नेफ्रो की टीम के साथ में काम करने से आज किशोर जी ठीक होके घर नेपाल वापस जा रहे हैं। बीच में उनको एक दो सेशन डायलिसिस के भी लगे थे, लेकिन अब मुझे बताने में बहुत खुशी है कि उनकी किडनीज वापस काम करनी शुरू हो गई हैं और पहले से काफ़ी ठीक हैं। सांस भी उनको अब आराम से आ रही है, फेफड़ों का पानी नहीं है, इन्फेक्शन ठीक हो गया है और सबकी कड़ी मेहनत से, फैमिली के सपोर्ट से, फैमिली के भरोसे से और किशोर जी के खुद के अपने भरोसे से कि वो ठीक हो पाएंगे, आज वो ठीक होकर वापस जा पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, कंसल्टेंट पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर। मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रिटिकल केयर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करते समय महत्वपूर्ण रहती है चार बातें। फर्स्ट, एग्जैक्ट डायग्नोसिस, प्रॉपर मॉनिटरिंग, रेस्पॉन्स एंड ए गुड टीम वर्क। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर पंकज आनंद व डॉक्टर राधिका गोविल का कि जिनके संयुक्त प्रयासों से हम
इस जटिल से जटिल मल्टी ऑर्गन फेलियर वाले पेशेंट को वेंटिलेटर पे जाने से हमने इसको बचाया और नेपाल से आए हुए इस परिवार को इस दुविधा से पूर्णतः बाहर निकाला। मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रिटिकल केयर केसेज में परिवारजन घबराए नहीं और डॉक्टर उनकी टीम व अस्पताल द्वारा किए हुए इलाज में पूर्णतः भरोसा रखें। धन्यवाद।